बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ। ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है और चैप्टर्स का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ सी द क्वेश्चन। अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर्स पर सेकेंड स्ट्राइक अ नेल। द नेल स्टॉप द हैमर्स इन ए वेरी शॉर्ट टाइम्स ऑफ 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल्स ऑन द हैमर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 500 ग्राम्स का एक हैमर है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जब हम कोई नेल्स को सपोज मान लेते हैं दीवार में, कोई नेल्स मतलब कोई काटी, वो नेल्स स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक मतलब उसको ठोकते हैं, तो क्या करता है वो, कितना वेलोसिटी में स्ट्राइक करते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में उसको ठोकते हैं। और एट ए वेरी शॉर्ट टाइम अब 0.0 क्या होता है, 0.0 सेकेंड के बाद वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, फिर ढोकते हैं फिर स्टॉप हो जाता है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल्स ऑन द हैमर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेल जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है हैमर पे। तो जो 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 गिवन है उसको हम इसको नोट डाउन करते हैं। तो पहला चीज़ है कि मास कितना दिया है, मास इज इक्वल टू 500 ग्राम, दैट इज इक्वल टू कितना, 500 और डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 0.5 kg दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद कितना स्पीड्स पे जा रहा है, यू इक्वल टू कितना हो गया, 50 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड में जा रहा है, और कितना टाइम के लिए, 0.01 सेकेंड, और मेरा वेलोसिटी कितना, 0.01 सेकेंड के बाद क्या था, वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाता है। अब हमने क्या किया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पे पढ़े थे, वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। तो मेरा वी का वैल्यू जीरो है, यू का वैल्यू 50 है, और प्लस ए इंटू टाइम कितना है, 0.01। यहाँ से हम एसलेशंस निकालते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाय -50 0.01, तो मेरा एसलेशंस का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज एसलेशंस का वैल्यू कितना हो गया, ये 20, तो कितना हो गया मेरा, -5000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सलेशंस का वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है कि वो नेल हैमर पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो क्या गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, तो मास कितना है मेरा, 0.5 इंटू एक्सलेशंस कितना है, -5000, तो ये कितना गया, 25 1 2 3 1, तो मतलब कितना मेरा न्यूटन्स आ गया, -2500 न्यूटन। मतलब जो नेल्स है वो हैमर पे कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये -2500 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अब नेल्स के हैमर्स पे इतना फोर्स ये करेगा, एग्जर्ट करेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।